अस्सलाम वालेकुम उफ टीवी के साथ मैं हूं बोनस रजा। पर तुम कौन हो? मैं हूं शकील की लड़की शबाना और प्यार से मुझे कहते हैं शब्बो शब्बो शबाना शब्बो शबाना शब्बो शबाना। बस करो अब शबाना, फर्स्ट डे है। हाँ तो फिर तुम बोलो। और सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बनाना रिपब्लिक में केलों ने पब्लिक पर हमला कर दिया। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि बारिश के मौसम में मुल्क तो गीला हो सकता है लेकिन मैं गीला नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो पहले से गीला नहीं हूँ। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार, लड़कों की ईद। बिल गेट्स अचानक अपने अब्बू को ढूंढते ढूंढते महमूदाबाद गेट पहुँच गए। उफ टीवी के स्टेशन पर कमेडियंस का हमला, ब्यूरो चीफ जख्मी। और एक बंदे ने MCB टावर से ये कहकर खुदकुशी कर ली कि प्यास है तो रुकना क्या। ये थी अब तक की। ज्यादा फ्री ना हो, अभी तुम्हें टाइम लगेगा न्यूज पढ़ने में, मुझे देख के कुछ सीखो। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद हेडलाइंस के लिए देखते रहिए उफ न्यूज। ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय ओ ही लव यू सो। ओ से ओरियल आखिरी चार। उफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुज्जू आपको टेंशन देता है और टेंशन लेता है और अपने प्रोग्राम को एंजॉय करता है और अपने शो को हर दफ़ा की तरह फिर से शुरू करता है। इस वक्त हमारे साथ एक चीज़ मौजूद है जिनके कंधों पर इतना बोझ सवार है कि ऊंट भी उनसे शर्मा जाता है, और वो है जनाब PCO कदीम वैशत साहब। कैसे हैं आप? अफसरदा हूँ, बहुत अफसरदा हूँ। अफसरदा हैं लेकिन किससे? अपनी आवाम से। क्यों? ये आवाम हम पुलिस वालों को कुछ समझते नहीं हैं। बताओ, गली के नुक्कड़ पे खड़े होने वाले लड़के हमें टुल्ला टुल्ला कहते हैं, गाड़ियों में घूमने वाले लोग हमें पैदागीर कहते हैं, मोहल्ले वाले हमें दहशतगर्द कहते हैं और घर में हमें सिर्फ गर्द कहते हैं। अच्छा, मैं आपको क्या कहूँ? कुछ भी कह लें, बशीर कह लें, नज़ीर कह लें, बादशाह कह लें, वजीर कह लें, और अगर आपका दिल फिर भी ना ठुके तो आप हमें बेज़मीर कह लें, हमें बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, खैर आपसे हमारा ये सवाल है कि हमारी पुलिस कब ठीक होगी? पुलिस ठीक है, बिल्कुल ठीक है पुलिस। वो कैसे? हम मोटरसाइकिल वालों से 20-25 रुपए लेते हैं। अच्छा, गाड़ियों वालों से 40 या 50 रुपए लेते हैं। चोरों डाकुओं से 50-50 करते हैं। मंशात फरोशों से डेट ले लेते हैं, मतलब हम किसी से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। कोई ऐसा है जिससे आप पैसे नहीं लेते? ठेले वालों से हम पैसे नहीं लेते। क्यों? फल ले लेते हैं। अच्छा, फल ले लेते हैं, सही। अच्छा, खैर ये रिश्वत आप लोगों से खुद लेते हैं या लोग देते हैं? लोग देते हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि रिश्वत देने वाला जहन्नमी है। अच्छा, और लेने वाला? उसकी सो मजबूरी हो सकती है। अच्छा, आप मुझे क्या देंगे? गिव एंड टेक का दौर है, जब आपने हमें कुछ नहीं दिया तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आपने इंग्लिश की वो मिसाल नहीं सुनी? कौन सी? वो जो इंग्लिश में है। कौन सी इंग्लिश में? वही जो इंग्लिश में है। तो आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? मुझे क्या नहीं आती, पूरी पुलिस फोर्स को नहीं आती। अच्छा, जिसकी वजह से लोग अक्सर हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। अच्छा, हम गाड़ी के कागजात मांगते हैं, वो विजिटिंग कार्ड दिखा के चले जाते हैं। अच्छा, तो आप इंग्लिश सीख लेना। सीखी हुई है मैंने थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत सीखी हुई है। तो आपका ट्रायल लेते हैं? ट्रायल ले लेते हैं। और क्या? मैं क्या कोई रक्षा हूँ? नहीं, मिसाल दे रहा था। खैर आप ये बताएं कि एक बंदा सामने एक खम्बे के पास खड़ा है। कहाँ खड़ा है? मिसाल दे रहा हूँ। उसको आप मिसालें बहुत देते हैं, ये नहीं कि कभी कुछ दे दें। बाद में दूंगा। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बताएं ना कि एक बंदा सामने खंबे के पास खड़ा है, उसको है। बुलाना है तो है। कैसे बुलाएंगे? इंग्लिश में बताएं। इंग्लिश में? जी, मैं उसको कहूंगा कि ए मैन कम हियर। अच्छा, सिंपल। सही, और अब उसको वापस भेजना है। वापस भेजना है इंग्लिश में? जी, इंग्लिश में। उर्दू में भेज दूं? नहीं, इंग्लिश में ही भेजना है।
इंग्लिश में भेजना है। फिर मैं एक काम करूंगा। क्या? मैं खंबे के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा। ठीक। और वहां जाके उसको कहूंगा कि ए मैन दोबारा का मेहर। बहुत होशियार हैं आप। बहुत होशियार हूँ। इसी होशियारी की वजह से मेरा एक दफा डॉग से मुकाबला हो गया। अच्छा, तो कौन जीता? बराबर हो गया। बराबर हो गया।